नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम क्रिकेट की कुछ नई खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप भी रविचंद्र अश्विन को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, किंग इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2019 के 32वें मैच में 12 रनों से हरा दिया। किंग्स इलेवन के गेंदबाजों ने इस जीत की इबारत लिखी। आपको बता दें, राजस्थान रॉयल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने आए किंग्स इलेवन पंजाब ने केएल राहुल और डेविड मिलर की पारियों की बदौलत 182 रन बनाए। 183 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 20 ओवरों में 170 रन ही बना सकी। इस मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने 20 साल के युवा लेफ्ट आर्म गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में मौका दिया था। अर्शदीप ने पारी का पहला ओवर करने के साथ पावर प्ले में 3 ओवर गेंदबाजी की और जोस बटलर का विकेट लिया। बाद में 19वें ओवर में गेंदबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे का विकेट लिया और मैच के बाद IPLT20.com के लिए किंग्स इलेवन पंजाब की सह मालकिन प्रीति जिंटा ने अर्शदीप से बात की। प्रीति ने अर्शदीप से पूछा कि जोस बटलर जैसे तूफानी बल्लेबाज को गेंदबाजी करते हुए दिमाग में क्या चल रहा था। इस पर अर्शदीप ने कहा कि वे बेशक अपनी काबिलियत पर विश्वास कर रहे थे और जो प्लान था उसके हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे। प्रीति ने दर्शकों से मुखातिर होते हुए कहा कि 20 साल के इस युवा खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है और आईपीएल में युवा खिलाड़ियों के सपने किस तरह सच होते हैं, अर्शदीप इसका उदाहरण है। प्रीति ने अर्शदीप को बधाई देते हुए कहा, आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, थैंक यू मेरी जान। आपको बता दें, प्रीति अपनी टीम की इस जीत से काफी खुश है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और क्रिकेट की नई खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।